दोस्तों 5000 व्यूज पाना उतना ही इजी है जितना आज सागर जैन को सब्सक्राइब करना है। 5000 व्यूज पाने में हमारी पूरी जिंदगी ना गुजर जाए, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आज ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके 5000 व्यूज बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में और समझते हैं इस झकास से इंट्रो के बाद। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सीक्वेंस एंड प्लेलिस्ट। अब सीक्वेंस एंड प्लेलिस्ट से मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में डालते हो तो आप उन्हें सीक्वेंस दीजिए, उन्हें नंबर दीजिए, या तो फिर आप अपने थंबनेल पर नंबर लिखिए, जिस तरह से मैं अपने हर एक रैंकिंग एक्सपेरिमेंट्स में लिखता हूँ। इस वजह से एक ट्रैक रहता है व्यूअर और सब्सक्राइबर को कि उसे 1 से लेकर वहां तक देखना है, उससे सारा पिक्चर उसे क्लियर हो जाएगा अगर वो सारी वीडियोज को देखेगा तो। और ऐसे करने से आपकी पुरानी वीडियोज भी कभी डेड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12 वीडियोस बना लिए हैं और उसे सीक्वेंस दे दिया है 1 to 12, और कुछ 3 महीने बाद आप 13th वीडियो बनाते हो, तो वो 13th वीडियो को देखने के बाद आपके व्यूअर्स आपकी फर्स्ट 12 वीडियोस को भी देखेंगे ताकि उन्हें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट के ऊपर सीक्वेंस बनाइए। अगर आप सीक्वेंस बनाओगे, हर एक वीडियो के थंबनेल पर आप लिखोगे #1, #2, #3, इस वजह से व्यूअर आपकी फर्स्ट वीडियो से लेकर आखिर के वीडियो तक देखेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उसे फर्स्ट वीडियो पसंद आनी चाहिए या कोई भी उसमें से एक वीडियो पसंद आनी चाहिए, तब भी जाकर वो आपकी बाकी की वीडियोस देखेगा। लेकिन इससे डेफिनेटली आपका एक एक व्यूअर सारी वीडियोस देखेगा और उस वजह से आपको 5000 व्यूज कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होगी। सेकेंड जो पॉइंट है वो है प्लान इन एडवांस। अब प्लान इन एडवांस से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी वीडियोस को स्केड्यूल करो एडवांस में। वो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको फॉलो करना है फॉर्मूला ऑफ थ्री। अब फॉर्मूला ऑफ थ्री से मेरा ये मतलब है कि आपको 3 वीडियोस की रिकॉर्डिंग साथ में करनी है, 3 वीडियोस की प्लानिंग साथ में करनी है, फिर रिकॉर्डिंग साथ में करनी है, फिर एडिटिंग पैरेलली करना है, और फिर 3 वीडियोस को स्केड्यूल करना है। तो उस नेक्स्ट 3 दिन के वीडियोस को आप स्केड्यूल करने के बाद आप आगे की 3 वीडियोस को प्लान करें। इस वजह से आपका टाइम डेफिनेटली सेव होगा क्योंकि आप 3 वीडियोस को साथ में प्लान कर रहे हो, तो एक सीक्वेंस रहता है माइंड में, एक फ्लो रहता है। आप वो फ्लो के अंदर 3 वीडियोस को साथ में जब प्लान करोगे तो डेफिनेटली फास्ट होगा। जब आप 3 वीडियोस को साथ में रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइट्स की सेटअप नहीं करनी पड़ेगी बार बार, आप एक फ्लो में रहोगे, उस वजह से 3 वीडियोस फटाफट रिकॉर्ड हो जाएगी। 3 वीडियोस को पैरेलली एडिट कर लेना और फिर 3 वीडियोस को अपलोड करना। अब 3 वीडियोस को साथ में अपलोड मत करना, उसे स्केड्यूल कर लेना एक दिन की एक वीडियो। इस वजह से आपको आगे के 2 दिन या 3 दिन में आप आगे की वीडियो स्केड्यूल और प्लान कर सकते हो, और इस तरीके से आप फॉर्मूला ऑफ थ्री को फॉलो कर सकते हो रेगुलरली। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आपका कोई अचानक से कोई ट्रिप बन जाएगा या कोई प्लान बन जाएगा जिस वजह से आप YouTube पर वर्क नहीं कर पाओगे, तो आपके आगे की वीडियो स्केड्यूल रहेगी, इस वजह से आपका कंसिस्टेंसी मिस नहीं होगा। मैंने शुरू में फॉर्मूला ऑफ थ्री यूज किया था और इवेंचुअली जाकर मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, तो अब मैं फॉर्मूला ऑफ फाइव ट्राई कर रहा हूँ, जहां पर मैं 5-5 वीडियोस को प्लान करता हूँ, 5 वीडियोस को एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ, फिर 5 वीडियोस को एडिट करता हूँ। इससे मेरा स्पीड बहुत अच्छा हो गया है और मुझे एक ब्रीथ स्पेस मिल जाता है क्योंकि मैं 5 वीडियोस आगे की एक साथ स्केड्यूल कर लेता हूँ, जिससे मुझे 5 दिन मिलते हैं आगे के, जहां पर मैं आराम से आगे के 5 वीडियोस बना सकता हूँ। तो आप भी इसे ट्राई करिए, स्टार्ट करिए फॉर्मूला ऑफ थ्री से, फिर फॉर्मूला ऑफ फाइव करिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और डेफिनेटली इससे हमें कई सारे व्यूज जल्दी आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहेंगे इसे फॉलो करते करते। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपको अपनी पुरानी वीडियोस के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को रिफ्रेश करना है। ये आपको क्यों करना है, अगर आप मेरे रैंकिंग एक्सपेरिमेंट्स देखते हो तो हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, हर बार हमें समझ आता है कि ये टाइटल सही था, इस तरीके से कीवर्ड को नहीं लिखना था, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना था, इस तरीके से नहीं लिखना था, उस वजह से वीडियो रैंक कर जाती है। तो अगर हमारी पुरानी वीडियोस में हमने गलत तरीके से लिखा हुआ है टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ उसे रिफ्रेश करिए। उसी वजह से आपके कई सारे वीडियोज जो पुराने हैं, जो डेड पड़े हैं, डेफिनेटली वो चेंज करने के बाद वो ग्रो करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ उन्हें रिफ्रेश करिए। आप पीछे जाइए, अपनी पुरानी वीडियोस को करेक्ट करिए, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन चेंज करिए। रैंकिंग एक्सपेरिमेंट से हमने इतना सारा सीखा है, मैंने खुद अपनी पुरानी वीडियोस को जाकर सब जगह रिफ्रेश किया है। पहले मैं टैग्स में स्टार्टिंग में हमारे चैनल का नाम डालता था, जो कि गलत है, हमने ये सब एक्सपेरिमेंट से सीखा है। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करिए, पुरानी वीडियोस को करेक्ट करिए, और उस वजह से डेफिनेटली आपके 5000 व्यूज भी जल्दी हो जाएंगे पूरे।
फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आप जेन्युइन यूट्यूबर्स को फॉलो करिए। कोई भी यूट्यूबर अगर टिप्स बता रहा है, अगर वो टिप्स आपके ऊपर लागू करने के बाद आपको नहीं ग्रोथ मिल रहा है, तो मत वेट करिए कि उनकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे और उन वीडियो से आप सीखेंगे। इंस्टेड आप दूसरे यूट्यूबर्स को भी फॉलो करना शुरू करिए और उनसे भी सीखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लाइंडली बस एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, उनसे जो टिप्स मिल रही है बस वही सीख रहे हो। कई सारे यूट्यूबर्स अवेलेबल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो, तो सबको फॉलो करिए, सबसे टिप्स सुनिए, सबकी टिप्स अप्लाई करने का ट्राई करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, वो जो बता रहा है बस वही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक यूट्यूबर का स्पेस और थिंकिंग उतना ही होता है। तो 10 एक यूट्यूबर्स को फॉलो करिए, 10 एक यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं सब चीज को समेट लीजिए और उसको अपने चैनल पर अप्लाई करिए। डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होगा। मैं कई जेन्युइन यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, उसमें से एक है टेकी नेटवर्क, तो आप उनको जाकर भी फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छे टिप्स बताते हैं और उनकी टिप्स से कई बार मेरे चैनल को कई सारा फायदा हुआ है, तो आप उन्हें जाकर भी फॉलो कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके 5000 व्यूज बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हार मत मानिएगा, वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहिएगा, एक दिन जरूर हम ग्रो होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।